ब्रह्मांड का वो सच जो हम नहीं समझ सकते। दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल है, यह हम नहीं जानते कि इसको जानने में हमारा पूरा जीवन भी निकल जाए। यूं कहें कि 100 पीढ़ियां भी निकल जाएं तो कम है। ऐसी ही गति के मामले में हमारी 2 आस्थाएं हैं, या तो हम चलते हैं या फिर हम रुक जाते हैं। ऐसे में जब हम आगे बढ़ते हैं तो गतिमान कहलाते हैं, और जब रुक जाते हैं तो स्थिर। लेकिन क्या हम सही मायने में कभी स्थिर हो पाते हैं? तो इसका जवाब है, कभी नहीं। यदि मैं आपसे पूछूं कि आप कहां हो, तो आपका क्या जवाब होगा? आप अपने कमरे में हाथ में मोबाइल पकड़े बैठे हैं, लेकिन आपका कमरा कहां है? जरूर ये किसी गांव या शहर में होगा, और ये गांव या शहर एक देश में, और ये देश किसी महाद्वीप का हिस्सा, और आपका महाद्वीप निश्चित तौर पर इस पृथ्वी का ही हिस्सा है। ये पृथ्वी तो लगातार गतिमान है, और न सिर्फ अपने अक्ष पर गतिमान है बल्कि बहुत तेज गति से सूर्य की परिक्रमा भी करती है। यानी भले ही आप अपने कमरे में शांति से बैठे हों, लेकिन आप स्थिर नहीं बल्कि गतिमान हैं। हम हमेशा ही गतिमान ही रहते हैं, यहां तक सोते समय भी और मर जाने के बाद भी। हमारे कहने का तात्पर्य यह है, और सच्चाई भी यही है, कि ब्रह्मांड किसी ठेले के बराबर ही है, और इस ठेले में अनेकों किस्म का पदार्थ भरा हुआ है। इसमें ब्लैक होल, तारे, ग्रह, उपग्रह सब हैं, और हम इंसान भी इस ब्रह्मांड के पदार्थ का छोटा सा हिस्सा हैं। अगर हमारे ब्रह्मांड से सभी तारे, ग्रह और जीव जंतु को हटा दिया जाए, तो ब्रह्मांड केवल खाली अंतरिक्ष के रूप में ही रह जाएगा। एक ऐसी खाली जगह जिसका अस्तित्व उसके खालिस्तान के साथ ही समाप्त हो जाएगा। हम हमेशा कहते हैं कि हमारा ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। अब इससे अगर ये सारे पदार्थ अलग कर दिए जाएं, तो इस काले अंधकार वाले अंतरिक्ष का वजूद भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई मापने के लिए भी कम से कम 2 बदलावों की आवश्यकता होती है, या 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। यही अगर आप अपने कमरे की चौड़ाई मापोगे, तो आपके कमरे के 4 ओर दीवारें होनी चाहिए। उन दीवारों को ही आधार मानकर कमरे की लंबाई और चौड़ाई मापी जा सकती है। ऐसे ही महासागरों की लंबाई या चौड़ाई मापने के लिए 2 किनारों का होना आवश्यक है। लेकिन अगर ब्रह्मांड में केवल काला अंधेरा हो, तो आप कैसे इसे विशाल कहोगे? वास्तव में खालिस्तान का अस्तित्व भी तभी तक है जब तक पदार्थ की मौजूदगी है। बिना पदार्थ के अंतरिक्ष अपनी विशालता खो देगा। यदि हम इंसानों की बात करें, तो वैज्ञानिक रूप से हम वायरस और बैक्टीरिया का घर कहे जा सकते हैं, क्योंकि हमारी सभी कोशिकाएं बैक्टीरिया और वायरस से ही मिलकर बनी हैं। और जब तक हमारे अंदर सूक्ष्म जीव है, तब तक ही हमारा अस्तित्व है। मुझे लगता है कि हम भी एक पदार्थ के रूप में अपने ब्रह्मांड के लिए किसी सूक्ष्म जीव की भूमिका निभा रहे हैं। दोस्तों, हम और हमारे ग्रह और इस अंतरिक्ष में फैला सारा पदार्थ ही इस ब्रह्मांड का वजूद बनाए हुए है। शायद ये ब्रह्मांड हमारी वजह से जिंदा भी है। आज कोई इंसान खेती करता है, तो कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है, और कुछ तो खाली भी बैठते हैं। हम सभी के काम भले अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी ऐसे क्रियाकलाप हैं जो सभी इंसानों में समान हैं। यानी सभी इंसान भोजन से ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, सभी इंसान ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलते हैं। हमारी सांस लेने की घटना हमारे वायुमंडल से, और हमारा वायुमंडल हमारी पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, और हमारी ये पृथ्वी इस ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। हम किसी न किसी रूप में इस ब्रह्मांड के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे लिए हमारे शरीर के अंदर बैठे बैक्टीरिया। लेकिन हम इतने छोटे हैं कि शायद हम अपनी भूमिका को समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारे शरीर के अंदर मौजूद सूक्ष्म जीवों को भी ये नहीं पता होता कि हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। पक्के तौर पर तो मैं नहीं कहता, लेकिन वैज्ञानिक आकलन के अनुसार हमारे शरीर के अंदर 40 लाख करोड़ सूक्ष्म जीव रहते हैं, और ये वे सूक्ष्म जीव हैं जिन्हें हम खोज पाए हैं। दोस्तों, वैसे हम इंसान अपने शरीर के बारे में सब कुछ नहीं जानते हैं। हमारे अंदर मौजूद सूक्ष्म जीव की संख्या इससे करोड़ों गुना अधिक भी हो सकती है। इस तरह से देखा जाए तो हम स्वयं ही एक चलता फिरता ब्रह्मांड हो सकते हैं, और हो सकता है कि हमारी तर्जनी उंगली में रहता कोई सूक्ष्म जीव अंगूठे तक पहुंचने का ख्वाब संजोए बैठा हो। जैसे हम मंगल ग्रह पर जाने का ख्वाब सजाए बैठे हैं, हमारे अंदर लाखों कहानियां भी चल रही होंगी, लड़ाइयां भी चल रही होंगी। ये सोचना सच में बड़ा अजीब है कि इस ब्रह्मांड के सामने हम बहुत सूक्ष्म जीव हैं, जबकि हमारे शरीर के अंदर रहते सूक्ष्म जीवों के सामने हम खुद ही ब्रह्मांड है। कहते हैं ब्रह्मांड
लगातार फैलता जा रहा है। हमारा शरीर भी तो बचपन से लेकर जवानी तक फैलता ही रहता है और फिर इसका फैलाव रुक जाता है और अंत में मौत के साथ ये शरीर नष्ट हो जाता है। शायद हमारा ब्रह्मांड भी जवान नहीं हुआ है, इसलिए अभी भी फैल रहा है। एक दिन इसका फैलाव रुकेगा और एक दिन फिर ऐसा समय भी आएगा जब ये ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। विज्ञान भी ब्रह्मांड के बारे में कुछ ऐसा ही कहता आया है। इसलिए दोस्तों, हमारे शरीर को समझना भी उतना ही मुश्किल है जितना इस ब्रह्मांड को समझना, और हम कभी इन सब को नहीं समझ पाएंगे। जैसे हम ये नहीं समझ पाते कि पृथ्वी गोल है, इंसानों की नजरों से ये दुनिया बिल्कुल सपाट दिखाई देती है और हम इंसान इस दुनिया को 3 डायमेंशन से ही देखते हैं, ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई। यानी जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई देखकर ही उस वस्तु की विशालता को समझ पाते हैं। देखने का ये नजरिया हमारे लिए सही है, लेकिन इस ब्रह्मांड को देखने के लिए हमारा नजरिया सही नहीं है। यानी इस नजरिए में बहुत सारी कमियां हैं। जहां आप खड़े हो वहां से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर से ही स्टिच शुरू हो जाता है। स्टिच वो जगह है जहां से हमें आसमान झुका हुआ दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में वो आसमान की झुकावट नहीं बल्कि धरती का गोलाकार रूप ही देख रहे होते हैं। यदि आप किसी समुद्र के किनारे पर खड़े होकर देखोगे तो क्षितिज को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओगे। हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, लेकिन ये गोलाकार नहीं बल्कि अंडाकार अक्ष पर सूर्य का चक्कर लगा रही है, और ये अंडाकार कक्षा भी 1,00,000 साल में बदलती रहती है। अगर आप सूर्य के चारों ओर घूमती पृथ्वी के पथ का 1,00,000 साल का चित्र बनाओगे तो आपको बेहद ही खूबसूरत जालनुमा चित्र मिलेगा। पृथ्वी चंद्रमा को भी अपने साथ लेकर सूर्य की परिक्रमा कर रही है, क्योंकि चंद्रमा भी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित होकर पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। अब खास बात तो यह है कि न केवल चंद्रमा बल्कि पृथ्वी भी चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित है। इसलिए जैसे जैसे चंद्रमा पृथ्वी की ओर घूमता है, वैसे वैसे पृथ्वी भी अपनी कक्षा पर डगमगाती रहती है, और ये डगमगाहट सूर्य की परिक्रमा के पथ पर आगे बढ़ते समय और भी रोचक दिखाई देती है। वास्तव में पृथ्वी किसी शराबी की तरह लहराती हुई, झूमती हुई सूर्य की ओर घूमती है। अगर हम अपने पूरे सौरमंडल में देखें तो हमारे सौरमंडल के किसी भी ग्रह का परिक्रमण पथ एक समान नहीं है। हमारा सूर्य भी हमारे सौरमंडल के तमाम ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण इसी तरह से लहराता हुआ हमारी आकाश गंगा में आगे बढ़ता जा रहा है और सूर्य के साथ ही लहराता चला जा रहा है। हमारा पूरा सौरमंडल, हमारा सूर्य अपने सौरमंडल सहित हमारी आकाश गंगा का एक चक्र 23 करोड़ सालों में पूरा करता है, और हमारा सौरमंडल हमारी आकाश गंगा की सतह से सीधी रेखा में नहीं है बल्कि हमारी आकाश गंगा की सतह से कुछ इस तरह से उठा हुआ है। यदि आप ब्रह्मांड के किसी दूसरे कोने से अपने सौरमंडल की आकाश गंगा की परिक्रमा करते हुए देखेंगे तो आपको हमारे सभी ग्रह लहराते हुए नहीं बल्कि मेंढक की तरह फुदक फुदक कर आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। हमारी आकाश गंगा के अन्य सितारे भी हमारे सौरमंडल को लगातार अपनी ओर खींचते रहते हैं, जिस वजह से हमारा पूरा सौरमंडल काफी 1,00,000 वर्ष पूर्व से उनकी तरफ चला जा रहा है और कभी 1,00,000 प्रकाश वर्ष नीचे की ओर। यानी हम सब लहराते, फुदकते और मदमस्त अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं, जबकि हमें ऐसा कुछ भी एहसास नहीं होता बल्कि हमें लगता है हम तो आराम से बैठे हुए हैं, और ये काफी रोचक बात है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि हमारा पूरा ब्रह्मांड, पूरा सौरमंडल और पृथ्वी, यहां तक कि सभी का शरीर हद से ज्यादा जटिल है। इतना जटिल है कि इन सबको हम समझ नहीं सकते बल्कि इन पर सिर्फ हैरान ही हो सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात तो यह है कि हम इस ब्रह्मांड के सबसे अच्छे कोने में निवास कर रहे हैं और पृथ्वी इस ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ ग्रहों में से एक है, क्योंकि तभी यह इतना जटिल जीवन पनप पाया है। ऐसा जीवन जो अपने शरीर के साथ साथ ब्रह्मांड के बारे में जानने की कोशिश भी कर रहा है। हमारे जैसा जटिल जीव पता नहीं इस ब्रह्मांड में कहीं होगा भी या नहीं। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।